अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इलस्ट्रेटर के अंदर एम और एल का लोगो डिजाइन प्रोसेस करेंगे। तो ये देखें फ्रेंड्स, मैंने दो कंसेप्ट बनाए हुए हैं एम और एल के। एक कंसेप्ट तो ये है और एक कंसेप्ट ये है, लेकिन मुझे जो है ना ये वाला कंसेप्ट अच्छा लगा, तो आज की इस वीडियो में हम ये कंसेप्ट बनाएंगे। मैं इन सबको डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद आपने क्या करना है कि टूल बार में से टाइप टूल को सिलेक्ट करना है और यहां पर आपने कैपिटल एम टाइप कर देना है, और इसके बाद सिलेक्शन टूल की मदद से शिफ्ट और राड की मदद से इसको बड़ा करना है इस तरह से, ठीक है। और यहां से आपने इसे क्या कर लेना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट आउटलाइन कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा इसे और बड़ा कर लेते हैं, और उसके बाद आपने सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है और यहां से इस एरिया को आपने सिलेक्ट करना है और टॉप वाला जो एरो की है उसे प्रेस करना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और जूम करने के बाद कंट्रोल आर करें और एक गाइड लें, एक गाइड यहां पे लगा दें और दूसरी गाइड आपने यहां पे लगा लेनी है, ठीक है। और उसके बाद एक गाइड आप यहां पे लगा लें। अब रेक्टेंगल टूल लें, यहां से इसका कलर आप ब्लैक रखें। ब्लैक रखने के बाद यहां पर आप इसे क्या कर लें, ड्रैग कर लें, ठीक है, इस तरह से। ड्रैग करने के बाद आपने अब क्या करना है, एडिट में जाना है, कॉपी, दोबारा एडिट, पेस्ट इन फ्रंट, और शिफ्ट की मदद से यहां से आपने इसे क्या कर लेना है, रोटेट कर लेना है और इसे यहां पे एडजस्ट कर देते हैं। थोड़ा इसे नीचे करते हैं थोड़ा सा, और इसे यहां पे क्या कर देंगे, हम ड्रैग कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, और इसे सिलेक्ट करें और यहां से इसे बड़ा कर दें। उसके बाद शिफ्ट की मदद से इन दोनों को सिलेक्ट करें, शेप बिडल टूल लें और इनको आपस में मर्ज कर दें। आप मर्ज करने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि सिलेक्शन टूल की मदद से इन गाइड को खत्म कर दें। पहले गाइड्स को खत्म करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसे थोड़ा सा और जूम लें, एक गाइड और ले लें यहां पर, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद आपने दोबारा रेक्टेंगल टूल लेना है, यहां से इसे ड्रैग करना है इस तरह। ड्रैग करने के बाद इसका कलर आपने दोबारा ब्लैक कर देना है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस कोने को सिलेक्ट करना है और इसे आपने क्या कर देना है, गोल कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। बड़ा करने के बाद ऑल्ट की मदद से इसकी एक कॉपी लें, इसे थोड़ा सा छोटा करें इससे ऊपर वाले से, एक और कॉपी लें आर्ट की मदद से, यहां पे इसे एडजस्ट करें और इसे थोड़ा सा छोटा कर लें, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करें शिफ्ट की मदद से, राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म करें, रिफ्लेक्ट करें, और रिफ्लेक्ट आप 90 डिग्री पे वर्टिकल करें, प्रीव्यू पे चेक लगाएं, कॉपी करके ओके कर लें, तो इसे आप यहां पर एडजस्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने इन सब को सिलेक्ट करना है। पहले तो इस गाइड को डिलीट कर लेते हैं। इन सब को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल लेना है और इनको आपस में क्या कर देना है, आपने मर्ज कर लेना है, और यहां से आप इसका पहले शेप बिल्डर टूल से कलर इसका ब्लैक रख लें, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आप इसे क्या कर लें, आपस में मर्ज कर लें, इसे आपस में मर्ज कर लेते हैं। तो ये हमारा लोगो डिजाइन हो गया फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।